हैं, अदाकार निकले हैं, जैसे जी असरानी, सुभाष घई, रिहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा जी, नवीन निश्चल, पेंटल, जया बहादरी, डेनी डेंजोंगपा, आपका खादिम रजा मुराद, एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जी जी। तो मुझे वहां दाखला मिला 1969 में और सन 71 में मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स पूरा किया और फिर जद्दोजहद का आगाज हुआ। तो मुझे 51 साल हो गए काम करते हुए जी। और लगता है कि 51 दिन भी नहीं हुए। बहरहाल जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि तकदीर जो है हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है, मेरे दरवाजे पर भी तकदीर ने दस्तक दी। कामयाबी मिलना जो है वो अलग बात है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना जो है वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक शेर है कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल। बहुत मेहमान नवाज हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के बाशिंदे पाकिस्तानी, बहुत मेहमान नवाज हैं, बड़ी गर्मजोशी है उनमें, बड़ा अखलाक है। मैं एक दो आपको किस्से सुनाना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त हैं शेख साहब जी, लाहौर में रहते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके घर रहते हैं हमेशा। तो वो हमें चाय पिलाने के लिए हीरा मंडी ले, वहां कोई चाय का स्टॉल है, तो वहां मैं चाय पी रहा था। तो मेरे मद्दा मेरे परस्तार जमा हो गए, सेल्फीज देने लगे। खज्जा का वहां पे रेस्टोरेंट है, तो वहां 2-3 बार गया मैं, और इतने अच्छे पाए, इतना इतनी अच्छी नहारी थी कि उंगलियां जो है एक दूसरे से चिपक जाती थी। वो बहुत ही लजीज खाने खाए मैंने खज्जा में। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती, हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। मेरे तीनों साथी तो मर चुके हैं, आज तुम भी मर जाओगी और तुम्हारे साथ ये रात भी मर जाएगा। रणवीर का खून करने से पहले तुझे अपने अंजाम का ख्याल नहीं आया, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तूने कि वो कैसे और कितना चीखेगी। ब्यूटीफुल राजेश, ये हीरे 50 लाख से तो कम नहीं होंगे ना? ज्यादा भी हो सकते हैं। राजेश, अगर मेरे पास हीरों की खान होती तो आज मैं तुम्हें हीरों में तोल देता। आज मैं बहुत खुश हूं। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम जी आयन। आप देख रहे हैं AHM टीवी और हम आपकी मुलाकात दुनिया के नामवर सितारों के साथ करवाते रहते हैं। ये जो आज का हमारा इंटरव्यू इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है कि आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान है वो लेजेंड एक्टर, उनको मैं कहूँगा, जो 50 साल से जायद का अरसा हो गया इंडस्ट्री में, जिन्हें काम करते हुए बेशुमार फिल्मों में बेशुमार जुबानों में काम कर चुके हैं, लेजेंड एक्टर हैं बॉलीवुड से, वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और कोई भी अदाकार एक दिन में ही नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे उसके कई सालों की रियाजत होती है, कई सालों की मेहनत शामिल होती है। अगर कोई शख्स हमें कामयाब नजर आता है तो उसके पीछे एक तवील अरसे की जद्दोजहद होती है। दोष देते रहे बेकार ही तुगयानी को, दोष देते रहे बेकार ही तुगयानी को, हमने समझा ही नहीं दरिया की परेशानी को, हमने समझा ही नहीं दरिया की परेशानी को, ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए
हर कामयाब शख्स की एक तवील जद्दोजहद शामिल होती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो स्कूल लाइफ में कई मरतबा फेल भी हुए, स्कूल से उन्हें निकाल भी दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बिल्कुल शेर उन पे फिट बैठता है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका पंजाबी का एक शेर है कि बेहिमते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिमते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी नेम प्लेट, मंजल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। तो आज के हमारे मेहमान भी अपने घर से अपने सफर का नक्शा बनाकर चले और आज पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। मेरी मुराद जनाब रजा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, और आज मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यकीनन मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है आपका इंटरव्यू करना। जहे नसीब, जहे पिस्मा। जी सर, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हम अपने हर मेहमान से रवायती सवालों से हट के जरा अलग सवाल पूछें, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपने करियर का आगाज किया, लेकिन आप इस बात की तरदीद भी कर चुके हैं, तो मैं करियर के हवाले से जानना चाहूंगा कि आपके सफर का कब और कैसे आगाज हुआ। मैंने 1969 में यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जी, यहाँ से बहुत ही नामवर फनकार निकले हैं, अदाकार निकले हैं, जैसे जी असरानी, सुभाष घई, रिहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा जी, नवीन निश्चल, पेंटल, जया बहादरी, डैनी डेंजोंगपा, आपका खादिम रजा मुराद, एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जी जी। तो मुझे वहां दाखला मिला 1969 में, और सन 71 में मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स पूरा किया और फिर जद्दोजहद का आगाज हुआ। तो मुझे 51 साल हो गए काम करते हुए जी। और लगता है कि 51 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि ये जो क्रिएटिव पेशा है ये ऐसा है कि आप जितना काम करते हैं, जितना आप जिंदगी में अचीव करते हैं, दिल चाहता है कि और करें और करें और करें। तो अभी भी बड़े दिल में वलवले हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, और भी सीढ़ियां चढ़ने का मैं मुतमन्नी हूं जी जी। तो ये सफर 51 साल का रहा है और इसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आए हैं, कई बार दिल टूटे हैं, फिर लोगों ने दिलों को जोड़ा है, कई बार मायूसी हुई है जी। तो कुछ हमारे मेहरबान हमारी मदद के लिए, जिसमें मैं उससे पहले मैं छोटे छोटे किरदार किया करता था, कभी वकील बन गया, कभी इंस्पेक्टर बन गया, कभी हीरो का दोस्त बन गया, कभी हीरोइन का भाई बन गया, इस किस्म के रोल मुझे मिलते थे। राज साहब ने मेरी एक फिल्म देखी थी नमक हराम 1973 में, सुपरहिट मूवी, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी जी जी जी। मैंने कहा ये नमक हराम तो काफी सुपरहिट मूवी थी जी जी जी, और इसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, बड़ी अच्छी कास्ट थी और बहुत ही नामवर डायरेक्टर मायानाज ऋषिकेश मुखर्जी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसमें एक शायर का रोल मैंने किया जी, जो दुनिया से मायूस है, दिल से टूटा हुआ है, सेहत भी उसकी उसका साथ नहीं दे रही है,
तो वो मायूसी ही मायूसी है उसकी जिंदगी में उस शायर की, और अलम नाम था शायर का, दर्दो अलम, दर्द का ऐसा अलम होता है। लोग अक्सर अलम को आलम समझते हैं, आलम तो दुनिया हुई, लेकिन अलम जो है वो दुख है, वो दर्द है। तो अलम का किरदार उन्होंने मेरा देखा था 1973 में, और जब वो 1980 में प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने मैनेजर को फोन किया और कहा कि वो नमक हराम में एक एक्टर था लंबा सा भारी सी आवाज वाला जिसने शायर का रोल किया था, उन्हें मेरा नाम मालूम नहीं था, तो उनको उनको बुलाइए आप। अब कहां हमारी औकात राज कपूर साहब से मिलने की, उन्हें देखने की, हम तो बिल्कुल ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जद्दोजहद कर रहे थे, हमारा कोई वसीला नहीं था उन तक पहुंचने का। तो भाई कहने का मतलब यह है कि इंसान के दरवाजे पर कभी ना कभी तकदीर आकर दस्तक देती है। जी जी बिल्कुल, तो वही मेरे साथ हुआ, राज साहब ने मुझे प्रेम रोग में मेन विलन का रोल ऑफर किया और मैंने जी जान से काम किया, जितना अच्छा कर सकता था। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई गिव माई 100% टू द रोल, और उसके नतायज भी बहुत ही अच्छे साबित हुए। और उसके बाद लोगों ने मुझे संजीदगी से लेना शुरू किया। जी, तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ था तो हमारे आपके ममालिक के माबेन एक बहुत ही हरदिल अजीज खेल है जिसे हम हॉकी कहते हैं। जी जी। तो मैं भी हॉकी का बहुत बड़ा परस्तार रहा हूँ, हॉकी के मैचेस दूर दूर तक देखने जाता था, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तो बहुत ही मैं बड़ा परस्तार रहा हूँ, शाहनाज शेख, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, अख्तर रसूल, क्या बात है, ये मेरे बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी रहे। हसन सरदार, आपको तो नाम भी याद है। जी जी। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि जब मैं सोच रहा था कि क्या करूं तो मुझे हॉकी का ख्याल आया। मैंने कहा रजा मुराद तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और तुम्हें गोल करना है। अब गोल करना यकीनी है वरना फिर बस छूट जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे। तो ये पेनल्टी स्ट्रोक है जो गोल में कन्वर्ट होना चाहिए। ये मैं हॉकी की इस्तेलाह में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। बहरहाल गोल हो गया, गोल हो गया, बड़ी तारीफ हुई और लोगों ने मुझे दोबारा संजीदगी से लेना शुरू किया, और फिर दोबारा उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया। उसमें फिर एक बहुत ही जबरदस्त किरदार था मेन विलन का, भागवत चौधरी का। और उसके बाद भाई फिर पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। जो ताज्जुब खेज बात है वो ये है कि कहां नमक हराम का टूटा फूटा जिंदगी का मायूस शायर बीमार, और कहां प्रेम रोग का सुमेरगंज का राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। जमीन आसमान का फर्क है दोनों रोज, लेकिन राज साहब के जहन में क्या आया, क्यों उन्होंने मेरा इंतखाब किया, मैं आज तक ये बात समझने से कासिर हूं। बहरहाल जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि तकदीर जो है हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है, मेरे दरवाजे पर भी तकदीर ने दस्तक दी, और फिर उसके बाद मैंने कभी पलट कर मुड़कर नहीं देखा। तो रामतेरी गंगा मैली 1985 में लगी थी और उस फिल्म की रिलीज के बाद मैं इतना मसरूफ हो गया भाई, 18-18 घंटे काम करता। तो क्या एक दिन मेरी वालिदा मेरी मुंतजर थी, मैं रात के 2 बजे लौटा तो उनकी आंखों में आंसू थे, कहने के बेटे तू इतना काम क्यों कर रहा है, क्यों अपना तू
जी हलकान कर रहा है इतना काम करके, अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रहा, और मैं बड़ी फिक्रमंद होती हूँ तेरे लिए, तू इतना इतना काम कर। मैंने कहा अम्मी मेरी गाड़ी जो है 14 साल लेट चली है, तो वो जो 14 साल मैंने गंवाए हैं जद्दोजहद में, मैं मुझे वो कवर करने हैं, मुझे ट्रेन पटरी पे लानी, तो जो मेरे 14 साल मैंने महरूमियत में आलम इस्तेराबी में काटे वो मुझे कवर करने हैं। तो इस तरीके से हमारी दोबारा शुरुआत हुई। कहने का मकसद भाई ये है कि माँ बाप जो हैं उनका हाथ आपकी पीठ पर होता है। पहला जो मुझे ब्रेक दिया वो बाबूराम इशारा ने दिया, फिल्म थी एक नदर, 1972 में रिलीज हुई थी, उसमें जया भादरी और अमिताभ बच्चन थे, वहां से मेरा आगाज हुआ। और मैं थोड़ी हिंदी का इस्तेमाल करता हूं कि पहला जन्म जो है वो माँ बाप ने दिया, वाह वाह, दूसरा जन्म जो है मुझे बाबूराम इशारा ने दिया, जिन्होंने मुझे डिस्कवर किया पहली फिल्म दी, और तीसरा जन्म मुझे राज कपूर ने दिया। वाह वाह सर, क्या बात, बहुत। तो ये मेरी जिंदगी के बहुत ही अहम सुतून है, और मैं कभी इनकी मेहरबानियां फरामोश नहीं कर सकता, इनके एहसान कभी मैं चुका नहीं सकता। और हम देखिए, हम पठान हैं, और पठानों का अपना एक उसूल होता है कि वो कभी किसी की हुई मेहरबानी भूलते नहीं है, हमेशा एहसानमंद रहते हैं, और यही इंसान के किरदार का एक मजबूत हिस्सा होता है कि आप कभी किसी की हुई मेहरबानी ना भूलें और हमेशा आप उसके एहसानमंद रहें। तो मैं एहसानमंद हूं बाबूराम इशारा साहब का, मैं एहसानमंद हूं यकीनन अपने वालिदैन का, और मैं बहुत एहसानमंद हूं राज कपूर साहब का, जिन्होंने मुझे सेकंड लीज ऑफ लाइफ दी, दूसरी उन्होंने मुझे फिल्मी जिंदगी दी जो अब तक चल रही है। क्या बात है सर, बहुत खूब, ये तो बड़े जर्फ की बात है, और आपने बकायदा नाम लेके, क्योंकि इंडस्ट्री में तो जो हम देखते हैं जब थोड़ा सा नाम बन जाता है तो लोग फिर पीछे मुड़ के उस तरह से नहीं देखते कि वो अपने जो उनके मौसिन है या जो उनको उंगली पकड़ कर लेकर चलने वाले हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन ये तो बड़े गर्व की बात है। और आप में हमेशा ही मैंने देखा भी है, आपके इंटरव्यूज भी सुने, आपकी मूवीज भी देखते हैं, काइंडनेस और जो हम्बलनेस मैंने आप में देखी है वो शायद ही मैंने किसी अदाकार में देखी हो। और बहुत सारे जिस तरह से आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, कई लोगों ने इंटरव्यूज मैंने काफी किए हैं इंडिया से, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी, बहुत सारे लोगों ने बकायदा आपका नाम मेंशन करके कहा है कि हम जब धक्के खा रहे थे तो हमें रजा मुराद साहब ने चांस दिलवाया, उन्होंने हमें बकायदा वो ऑन द रिकॉर्ड चीजें पढ़ी हुई हैं इंटरव्यूज में। देखिए ऐसा है, मैं उन दुश्वार मरहलों से गुजरा हूं जी, तो मुझे पता है कि एक फनकार जब जद्दोजहद करता है तो किन दुश्वारियों से वो गुजरता है, क्या आलम इस्तराबी होता है, वो मैं जानता हूं। मेरा भाई ये कहना है कि कामयाबी जो है वो मिलती है, लेकिन उस कामयाबी को कायम रखना, और जितनी आपको कामयाबी मयसर हो उसके साथ आपकी गर्दन हमेशा झुकी रहनी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत खूब, ये इंसान के का एक किरदार है इंसान का, कि एक बहुत ही पुरानी मिसाल है कि फलदार पेड़ जो है हमेशा झुका रहता है। तो मैंने भी हमेशा कोशिश की कि जो जद्दोजहद कर रहे थे फनकार अदाकार, हत्तुल इमकान मेरी ये कोशिश थी कि जितनी उनकी मदद कर सकता हूं मैं करूं, उन्हें काम दिलवाऊं, और काफी हद तक मैं कामयाब भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर फीडबैक जी, देखिए क्या है, एक जो बड़ा इंसान है, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि किसी बड़े इंसान की पहचान ये होती है कि वो किसी छोटे शख्स को इस बात का
अंदाजा ना दिखाए, इस बात का एहसास ना दिलाए कि वो छोटा है, वो मुझसे छोटा है। क्या बात, ये एहसास जो है, ये एहसास ना दिलाए कभी उस शख्स को। और सर, बड़ा आदमी भी बेशक वही है जिसके पास बैठ के भी खुद को इंसान छोटा महसूस ना करे। जी जी, कोई भी शख्स आपके बिहेवियर से ये महसूस ना करे कि मैं अपना बड़ापन उस पर मुसल्लत कर रहा हूं। और आप बराबरी से मिलिए, क्योंकि कामयाबी मिलना जो है वो अलग बात है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना जो है वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक शेर है कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत। तो जो शख्स बुलंदियों को हासिल करके उस पर ठहर जाए वही एक कामयाब शख्स होता है, वरना लोग आते हैं जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब आए थे और कब चले गए। लेकिन बेशक जो एक एक जो फनकार है, एक अच्छा अदाकार है, उसके लिए एक अच्छा इंसान होना भी लाजमी है भाई। जब तक मैं आपके दुख दर्द नहीं समझूंगा, जब तक मैं किसी की तकलीफ खुद अपने सीने में महसूस नहीं करूंगा तो मैं किरदार कैसे करूं। अगर मैं हसास नहीं हूं, मुझे लोगों की तकलीफों का, लोगों के जज्बात का एहसास नहीं है, तो फिर मैं जज्बात की नुमाइंदगी, जज्बात निगारी मैं कैसे कर सकता हूं। तो यही है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि अगर किसी का फायदा ना कर सकें, अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम किसी की मदद करें, उसकी दुआएं लें। और दुआएं जो हैं बहुत पूरा सर होती हैं। ये बहुत ही घिसी पिटी मिसाल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ दुआएं काम। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर, आपके वालिद मुराद साहब भी एक कामयाब अदाकार थे। जब आपने अपने करियर का आगाज किया, आपको उनके नाम का कितना फायदा हुआ? मैंने फायदा लिया नहीं भाई, मैं एक आम इंसान की तरह, एक आम स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह तस्वीरें लेके स्टूडियोस के चक्कर काटता था, दर बदर भटकता था, लोकल ट्रेन की थर्ड क्लास में सफर करता था, बसों में जाता था। लेकिन जो रजा के बाद मुराद लगा हुआ है, जब लोग मेरा नाम सुनते थे तो पूछते थे कि मुराद साहब से क्या रिश्तेदारी है, तो फिर मुझे बताना पड़ता था कि वो मेरे वालिद। इस तरीके से बस लोगों को पता चला, लेकिन मैंने कभी तानिस्ता कोशिश नहीं की कि मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं मुराद साहब का बेटा हूं। हर इंसान की अपनी एक शख्सियत होती है, जरूरी नहीं है कि आप एक अगर कामयाब वालिद के आप काम बेटे हैं तो आप भी कामयाब हों। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि कामयाब वालदैन के बच्चे उतने कामयाब नहीं हुए या बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। तो वो आपका टैलेंट है, आपकी सलाहियत है, आपकी मेहनत है, आपका बिहेवियर है, आपकी किस्मत है। ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि सर आप जानते हैं जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है, और आपके जब आपने करियर का आगाज किया तो आपने शुरू शुरू में जो पंजाबी फिल्में थी, पंजाबी फिल्मों में आपने काम किया, और 1935 में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का वक्त लाहौर से आगाज होता है। उन दिनों में जो पंजाबी फिल्में थी पाकिस्तान की वो बाकायदा इंडिया के सिनेमाज में लगाई जाती थी, लेकिन उसके बाद बहुत सी वजूहात ऐसी थी कि पंजाबी इंडस्ट्री का जवाल आ गया, उस तरह से ना पंजाबी फिल्में बनी और बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है, 10-15 साल के लगभग इतना अरसा है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने फिर से ग्रो किया, इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। जी जी,
और अब पंजाबी जो फिल्में हैं वो मेरे ख्याल से बॉलीवुड को भी टक्कर दे रही हैं, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं, ये मेरा सवाल था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी का आप क्रेडिट किसको देते हैं? देखिए, मैं थोड़ा माजी की तरफ जाऊंगा। जी मैंने सन 74 से पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू किया और कितनी फिल्में की तादाद तो मुझे भी याद नहीं है। बहरहाल, यहाँ का एक बहुत ही मकबूल टीवी चैनल है PTC। तो जी जी पहले बिल्कुल जब उन्होंने अवार्ड अनाउंस किए तो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिला, खाकसार को मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो मेरी मादरी जबान नहीं है, जैसे आपके मुस्तफा जी जी कुरैशी साहब हैं, उनकी भी मादरी जबान पंजाबी नहीं है, सुल्तान राही साहब की भी मादरी जबान पंजाबी नहीं थी, लेकिन मैं उन दोनों से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। उनकी मैंने बहुत तस्वीरें देखी हैं और सुल्तान राही साहब से मुलाकात करने का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफा कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात हुई जब मैं लाहौर आया था, और वो मेरी जिंदगी का बहुत ही एक अहम दिन था, क्योंकि उनका जो किरदार था मौला जट में नूरी नत का, वो जी इतना जी बहुत पसंद किया फेमस है। गया। जी, और मैं समझता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिसने वो फिल्म ना देखी हो या वो कहीं ना कहीं मुस्तफा कुरैशी साहब से इंस्पायर ना हुआ, तो मैं भी हुआ था उनसे। देखिए, उस जमाने में पंजाबी फिल्मों का बजट बहुत कम होता, 5 या 6 लाख में पूरी पंजाबी फिल्म बन जाती। उसके बाद बहुत सी पंजाबी फिल्में नहीं चली, एक खला सी आ गई, चार एक पांच साल तवील एकदम, खला आया उसमें। जी हाँ, खला आ गई। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, बड़े हमारे अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, मनमोहन सिंह साहब, वो जी, बहुत बड़े कैमरामैन हैं, उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। और टेक्निकली हमारे जमाने में जो पंजाबी फिल्में होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, बजट कम होता था, और वो कलर में बना ली, गेवा कलर में बना ली, कम बजट में बना ली। मनमोहन सिंह ने, क्योंकि वो खुद बताते खुद वो एक कैमरामैन थे, उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो बहुत कामयाब साबित हुई। उसके बाद एक छड़ी सी लग गई, एक लहर दोबारा आई पंजाबी फिल्मों और बहुत कामयाब साबित हुई वो फिल्में, हमारे वतन में भी और ओवरसीज में भी। तो देखिए, ये जो कारोबार है ये मुनासिर करता है कि आपको मुनाफा हो रहा है या आपको इसमें आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, बात मुनाफे की होती है। तो उन फिल्मों को मुनाफा हुआ, इसकी वजह से और लोग भी आगे आए और भी फिल्में बननी शुरू हुई। माशाल्लाह, जो हमारे पंजाबी भाई बहन हैं वो बड़े साहिबे हैसियत हैं बैरूनी ममालिक में, तो वो भी आगे आए, उन्होंने भी सरमाया लगाया। तो देखिए, घाटे का सौदा, नुकसान का सौदा तो कोई नहीं करना चाहता। इस तरीके से बिल्कुल जब फिल्में दोबारा बनना शुरू हुई और उन्होंने मुनाफा कमाया तो लोग आगे आए। और अब जैसा कि आपने फरमाया कि आज की जो पंजाबी फिल्में हैं वो हिंदी फिल्मों को भी टक्कर दे रही हैं, ये बात जी बिल्कुल सही है। और देखिए, रीजनल फिल्म का जो अपना एक मजा है, उसका अपना जो एक फ्लेवर होता है, वो उसकी बात ही दूसरी होती है। जी क्योंकि अगर आपको हिंदी फिल्म देखना है तो बहुत सी हिंदी फिल्में लगी होती हैं सिनेमा हॉल्स में, लेकिन अगर आप एकदम एक पंजाबी फिल्म देखना चाहते हैं, पंजाबी ठप्पे देखना चाहते हैं, पंजाबी गिद्धा देखना चाहते हैं, पंजाबी बंगला देखना चाहते हैं, पंजाबी किरदार देखना चाहते हैं, तो लोग जाते हैं देखने के लिए पंजाबी फिल्म। तो बहुत जी अच्छा कारोबार हो रहा है, बहुत ही
तस्कीन बख्श मैं कहूंगा। कारोबार हो रहा है, फिल्में चल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर भी कमा रहे हैं, एग्जीब्यूटर भी कमा रहे हैं और एक्टर भी कमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर पंजाबी वो कहते हैं पंजाबी पूरी दुनिया च कितने ना कितने लाभ जाता है, और पंजाब का कल्चर जो है, पंजाब ऐसी दुनिया की 9वीं बड़ी जुबान है, 11 करोड़ लोग बोलते हैं पंजाबी, तो पंजाबी इंडस्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अभी सिनेमाज में लगनी शुरू हो गई है पंजाबी फिल्में फिर से। सर आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेशुमार काम किया, जितना कहा जाए कम है, और बेशुमार फिल्में बेशुमार जुबानों में, तो मेरे ख्याल से तो आपने हर छोटे बड़े अदाकार के साथ आपको काम करने का मौका मिला है बॉलीवुड में और पंजाबी में, दूसरी जुबानों में भी, तो सर कोई ऐसा ऐसा कोई अदाकार या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी काम करने की ख्वाहिश हो लेकिन पूरी ना हो सकी हो, या आप काम करना चाहते हो मौका ना मिला हो? देखिए जहां तक हिंदी फिल्मों का सवाल है, ऐसा कोई अदाकार नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। अशोक कुमार से लेके रणवीर सिंह तक मैंने काम किया है। तो अशोक कुमार, उनके भाई किशोर कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, गोविंदा, वाह, ऐसा कोई बड़ा फनकार नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, एक बहुत बड़े बंगाली डायरेक्टर गुजरे हैं सत्यजीत रे, वो बड़ी रियलिस्टिक फिल्में बनाते थे और उन्हें ऑस्कर मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट। बस एक ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की, और एक ही उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी, और हर एक्टर से मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी कि उसकी जगह मैं क्यों नहीं। तो जैसे कपूर खानदान भी हैं, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करण कपूर, कोई कपूर बचा नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। बस वो एक ख्वाहिश सर, माशाल्लाह जितनी जितनी मूवीज आप कर चुके हैं, अगर हमें एक एक बंदा भी लगाए तो मेरे ख्याल से कोई बचता ही नहीं है पीछे, कोई नहीं बचता। बस वो ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब इस पे शेर भी तो है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई कसर रह जाती है। और बड़ा अच्छा शेर कहा है निदा फादरी ने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और शायरी से आप वैसे भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और आपका जो आवाज में जो गर्ज है, जो आपका आप कॉल पे या वॉइस मैसेज पे भी बात करते हैं ना, एक आपकी आवाज में अल्लाह ताला ने एक अलग सा ही सरूर रखा है, यकीन करें आप। ये तो सब अल्लाह ताला की देन है जी। जहां तक अदाकाराना सलाहियतों का सवाल है, किसी को वो हसीन गला बख्शते हैं, गुलूकार अच्छे अच्छे आए हैं हमारे मुल्क में भी, आपके मुल्क में भी, वो गुलूकारी हो, वो अदाकारी हो, वो हुस्न हो, वो तो सब खुदा अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, तो तारीफ उसकी है। हम तो तबीयतन फकीर आदमी हैं, हम यही कहते हैं कि भाई ये तो खुदा दाद सलाहियत है, अल्लाह ताला ने बख्शी है, बस मैं तो उसका शुक्र अदा करता हूँ, मैं तो तबीयतन फकीर आदमी। तारीफ होती है तो दिल खुश होता है, लेकिन वो तारीफ जो है दिल से कभी दिमाग तक नहीं आती, वो यहीं तक है। बहुत बहुत सर, 2 मर्तबा पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ, और जानना चाहूंगा हमारे नाज़रीन को बताएं आप कैसी यादें लेकर गए, क्या मेमोरीज थी, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी दूसरी जगह पे आए हुए हैं? बहुत खुशगवार यादें हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के बाशिंदे पाकिस्तानी, बहुत मेहमान नवाज हैं, बड़ी गर्मजोशी है उनमें, बड़ा अखलाक है,
मैं एक दो आपको किस्से सुनाना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त हैं शेख साहब जी, लाहौर में रहते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम उन्हीं के घर रहते हैं हमेशा। तो वो हमें चाय पिलाने के लिए हीरा मंडी ले गए। वहां कोई चाय का स्टॉल है तो वहां मैं चाय पी रहा था। तो मेरे मद्दा मेरे प्रस्तार जमा हो गए, सेल्फीज देने लगे, और हालत ये हो गई भाई, सूरत हाल ये हो गई कि ट्रैफिक जैम हो गया। आवाम इतना सड़कों पे जमा हो गई कि ट्रैफिक जैम होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अखलाक क्या होता है। आरटीओ के ऑफिसर मेरे पास आए कि मोहतरम, माजरत चाहता हूं, आपकी मौजूदगी यहाँ की आमद और रफ्त में दखल अंदाज हो रही है, तो मैं माजरत के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द आप यहां से तशरीफ ले जाए। मैंने कहा जनाब अगर आप कहें तो मैं बिना चाय पिए जा रहा। नहीं 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 साहब, आप बिल्कुल चाय पिए, बस जल्द अज जल्द आप यहां से तशरीफ ले जाए। तो देखिए एक बात करने का एक तरीका है। बड़े महजब तरीके से उन्होंने कहा कि आपकी जो मौजूदगी है वो आमद और रफ्त में दखल अंदाजी कर रही है। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और मैं गया इस्लामाबाद, तो वहां पे ड्राई फ्रूट की दुकान पर गया, तो बड़ी दुकान थी और वहां पे कोई सेल्समैन नहीं था, तो मालिक काउंटर पे बैठे हुए थे। तो चिलगोजे मुझे दिखाई दिए, छिले हुए चिलगोजे। तो गया मैं उनके पास, मैं जनाब ये इन चिलगोजों के दाम क्या है? देखा उन्होंने, देखते रहे, कहने लगे मोहतरम आपकी आवाज आपका लहजा, एक भारतीय अदाकार है रजा मुराद, उनसे बड़ी मुशायबत है आप। ये तो पता नहीं उन्होंने ख्वाब, उनके ख्वाबो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं उनकी दुकान पर आया हूं। तो उन्होंने ये कहा कि काफी आपकी आवाज और जो आपका गुफ्तगु करने का लहजा जो है वो एक भारतीय अदाकार रजा मुराद है, उनसे काफी मुशायबत है आपकी। मैंने कहा खाकसार ही रजा मुराद। तो साहब मैंने कहा मुझे आप एक किलो चिलगोजे दे दें। चिलगोजे दिए उन्होंने। मैंने कहा क्या पेश कर दूं इसके लिए? कह लगे जनाब आप गाली दे रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मद्दा हैं, आपके परस्तार हैं, ये हमारी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है आपके, पैसों का कहकर आप हमारी बेइज्जती ना करें, आप हमारी मेहमान नवाजी को ना ठुकराएं। ऐसे कई वाकयात हुए, कहीं चले गए कुछ कपड़े खरीदने तो पैसे नहीं लिए दुकानदारों ने, कहीं खाना खा लिया किसी रेस्टोरेंट में, वहां लोगों ने पैसे नहीं लिए। देखिए बात पैसे की नहीं, आदमी कितने का खा लेगा, बात यह है अखलाक की, बात यह है मेहमान नवाजी की। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ वहां की मेहमान नवाजी से, और लाहौर जब पहली बार मैं आया था तो मैं ठहरा था अपने, बहुत ही मशहूर होटल है, क्या नाम है उसका, पीसी कहते हैं उसे, पर्ल कॉन्टिनेंटल। जी जी, काफी फेमस होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल में। जी जी। बड़ी उन्होंने मेरी वहां पे खातिर तवादे की, मेरे लिए एक अलग टेबल मेरे लिए महफूज रखा जाता था मेरे बैठने के लिए, और बड़े अच्छे अच्छे मुझे वहां पे उन्होंने पकवान खिलाए। मुझे कीमा आलू मुझे बहुत पसंद है, तो वो कहते थे आप अपनी पसंदीदा डिश बताएं, तो मैंने कहा भाई आज कल कीमा आलू खिलाना। तो बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने मेरी पसंद को मद्देनजर रखते हुए मुझे बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए पीसी। और
जब इस्लामाबाद गया था तो बड़ा अच्छा होटल है वहां पे, होटल सेरीना, होटल सेरीना वो भी फेमस होटल, यहाँ वहां ठहरा था, बड़े अच्छे वहां भी खाने खाए, और जो मुकामी बाशिंदे थे बड़े मिलके खुश होते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे। और कराची में मैं गया, एक वहां पे रेस्टोरेंट है होटल कोलाची है नाम था उसका, कोलाची, बिल्कुल समंदर के किनारे, बहुत ही लजीज खाना था वहां का, और बहुत ज्यादा वहां पे लोग आते हैं फैमिलीज के साथ, कोलाची नाम। तो ये कुछ खुशगवार यादें हैं। और एक बार मैं कराची के किसी मॉल में गया तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई मुझे देखने के लिए, सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, कहने साहब आप हमारी जिम्मेदारी हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको यहाँ से हिफाजत से हम आपको यहाँ से आपको हम रुख्सत करें। तो पूरा उन्होंने मेरी, हालांकि मैंने कहा नहीं आप ऐसा ना, नहीं कहने साहब आप हमारी जिम्मेदारी, आप यहाँ हैं, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। तो लोगों को मेरे करीब नहीं आने दे रहे थे, और मैं उनसे बार बार कह रहा था कि भाई उन्हें ना रोके, मिलने दें, अगर कोई हाथ मिलाना चाह रहा है या कोई सेल्फी लेना चाह रहा है तो ले लेते। तो मेरी इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा, लेकिन पूरी उन्होंने मुझे वहां पे सिक्योरिटी दी। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी और खुशगवार यादें। क्या बात है सर, बहुत खूब। दरअसल पाकिस्तान में आप जानते ही हैं बॉलीवुड की फिल्में तो हम बचपन से देख रहे हैं इतने एक तवील अरसे से, तो आपने खुद ही बता दिया, वैसे भी आप पाकिस्तान आके मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं पे जाएं और लोगों को पता ना हो कि ये कौन है भाई भाई ने। एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, लाहौर में बड़ा उमदा पाया मिलता है फज्जा की का रेस्टोरेंट है फज्जा, आप कहाँ रहते हैं भाई? मैं पाक पतन। अच्छा, पंजाबी जुबान के पहले शायर बाबा फरीद। पाया और नहारी फज्जा का वहां पे रेस्टोरेंट है, तो वहां दो तीन बार गया मैं, और इतने अच्छे पाए, इतना इतनी अच्छी नहारी थी कि उंगलियां जो है एक दूसरे से चिपक जाती थी, तो वो बहुत ही लजीज खाने खाए मैंने फज्जा में। वाह वाह सर, क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी आपकी तो लविंग मेमोरीज है। और सर बताइएगा अभी कि अब आप दोबारा कब पाकिस्तान आएंगे? भाई ये कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और एक सिस्टम तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 65, मैं भी अबव 65 हूं जी, तो उनके लिए वीजा ऑन अराइवल है, उन्हें वीजा दस्तयाब करने की जरूरत नहीं है, वो जाएं और जो भी जरूरी कागजात हैं वो पेश करें तो वीजा उन्हें वहीं का वहीं मिल जाता है, लेकिन यू हैव टू बी अबव 65 इयर्स ऑफ एज। मैं अबव 65 हूं लेकिन दिल जो है मेरा वो अभी भी 22 साल का है। सर क्या बात है, दिल्ली जवान होना चाहिए। इंसान को जहनी तौर पे जवान रहना चाहिए, उम्र तो एक नंबर है जी, तो ये भी आसानी हो गई है कभी भी आने की, लेकिन मेरी बीवी और मेरी बेटी कतई इस बात पर मुझसे मुत्तफिक नहीं है कि मैं अकेला जाऊं, वो भी मेरे साथ दोबारा आना चाहेंगी, उनके भी बड़े अच्छे तजर्बे हुए हैं वहां पे, वो मुझे अकेला नहीं आने देंगी, इस फैसिलिटी का मुझे वो फायदा बिल्कुल नहीं उठाने देंगे, वो मेरे साथ ही आएंगे। ये भी आपका अपना घर है, आप आए, ये हमारे लिए भी खुशी की एहसास की बात है आपका आना। सर आपने 18 मुख्तलिफ जुबानों में 500 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है, और अपनी मादरी जुबान के अलावा दूसरी किसी कोई दो चार पे बंदे का अबूर हासिल हो सकता है, पांच पे हो सकता है, लेकिन 18 जुबानों में काम करना 500 से ज़ायद फिल्मों में, ये जानना चाहूंगा कि कभी किसी जुबान में काम करते हुए मुश्किल पेश भी आई आपको? साहब मुश्किल तरीन हालात से मैं गुजरा हूं। यहां पे एक जबान है जिसे तेलुगु कहते हैं,
और तेलुगु जबान में एक फिल्म बनी थी, उसमें उन्होंने मुझे पहले उन्होंने कहा कि जो आपके डायलॉग हैं वो हिंदी में होंगे, और जब मैं सेट पर पहुंचा तो उन्होंने अपना ख्याल जो है बदल दिया कि अब आपके डायलॉग तेलुगु में होंगे, तो तेलुगु का मुझे एक लफ्ज नहीं आता सर, एक लफ्ज मैं बोल नहीं सकता, दक्कनी भाषा है। और साहब आठ आठ दस दस बारह बारह लाइंस के डायलॉग, और आपको पता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कितना बोलता है, अपनी दलीलें पेश करता है, तो वो मेरी जिंदगी का एक सख्त तरीन लम्हा था या लम्हात थे कि मैंने तेलुगु फिल्म में एक एक दो दो पेज के डायलॉग बोले, कैसे बोले, और मैं बार बार कहता था कि अल्लाह मेरी इज्जत रख लो, अल्लाह मेरी इज्जत रख लो, मुझे ये जबान आती नहीं है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस इम्तिहान में आप मुझे पास कर दो अल्लाह का। और भाई किसी ना किसी तरीके से वो तो 3 दिन मैंने शूटिंग की, और कैसे की सब अल्लाह ताला ने करवाया, मेरे मेरे बस की तो बात थी नहीं, बस हो गया वो, एक मैं समझता हूं कि मेरे लिए वो एक मौजा से कम नहीं, मौजे से कम नहीं कि मैंने एक बिल्कुल उस जबान में जिसका मुझे एक लफ्ज नहीं आता 3 दिन मुतवातिर में बोलता रहा वो जबान से। क्या बात है सर, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरी जबान और 18 जबानों में काम करना। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से तो बॉलीवुड में अब तक मैंने कोई ऐसा अदाकार नहीं देखा जिसने 18 जबानों में काम किया हो। थोड़ा आपको करेक्ट करना, जी थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, 18 नहीं 19 जबान, 19 जबानों, वाह माशाल्लाह। जिसमें जो बैरूनी ममालिक की जबाने हैं, रशियन लैंग्वेज में भी मैंने काम किया है, रशियन फिल्म में भी किया है, इंग्लिश फिल्म में भी किया है। जी क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब, ये आज हमें नई इंफॉर्मेशन मिली आपके हवाले से। आपने ब्लैक एंड व्हाइट दौर में भी काम किया, आप स्टिल अभी तक भी बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप इन हैं, आपने सर चेंजेस क्या देखते हैं पहले के दौर में और जो पहले फिल्में बन रही थी और जो आज के दौर में बन रही है, इनमें फर्क क्या देखते हैं आप? फर्क तो काफी आया है, फर्क ही नहीं कहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले की जो फिल्में थीं वो गिने चुने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, डेकोइड फिल्म्स होती थीं, जुनूबी हिंदुस्तान की जो फिल्में आती थीं, घरेलू साफ सुथरी फिल्में होती थी, या फिर तारीखी फिल्में बनती थीं, सोशल बनती थीं, मुस्लिम सोशल बनती थी, या लॉस्ट एंड फाउंड बनती थी, बच्चे मेले में बिछड़ गए, माँ कहीं चली गई, बेटे कहीं चले गए और क्लाइमेक्स में सब दोबारा मिल गए। आज का जो डायरेक्टर है बहुत इनोवेटिव है, बहुत कटसी है, और बड़े उन्होंने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैंडल किए हैं आज के डायरेक्टर। देखिए जिंदा मिसाल ये है कि जो बायोपिक्स बनी मिल्खा सिंह पर बनी, उनकी जिंदगी में जब वो हयात थे तब बनी, मैरी कॉम पर बनी, अजहरुद्दीन पर बनी, एम एस धोनी पर बनी, और सचिन तेंदुलकर पर बनी, तो ये लिविंग लेजेंड्स हैं, इनकी जिंदगी में ही इन पर फिल्में बनी हैं, तो पहले कभी कोई ऐसी हिम्मत करता नहीं। अच्छे सब्जेक्ट्स लिए हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि संजय लीला बंसाली साहब के साथ मुतवातिर मैंने 4 फिल्में की, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, और इनकी जो फिल्म गंगूबाई है मैं उसके एक शॉट में हूं मैं, तो उनके लिए मैं, वो मुझे अपना लकी मैस्कट कहते हैं कि रजा साहब मेरी फिल्मों में होते हैं तो मेरी फिल्में चलती हैं। अरे हम कहां चलाने वाले हैं, चलाने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, अब किसके तार कहां मिलते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो मुझे अपना लकी एक्टर मानते हैं, और इसीलिए गंगूबाई में
सिर्फ मेरा एक शॉट है। उन्होंने कहा आपके लायक उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको इस फिल्म में आपका आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, तो हमने दे दिया एक शॉट। वो फिल्म भी जो है अच्छी जा रही है बिजनेस वाइज। आज क्या है, प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं, आज हर चीज जो है प्लानिंग से होती है, प्लानिंग से होती है। पहले कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, आज कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो अपना काम करते हैं। पहले आर्टिस्टों के लिए, फनकारों के लिए वैनिटी वैंस नहीं होती थी, सड़क पे ही अगर हम शूटिंग करते थे तो सड़क पर ही हमें कपड़े बदलने पड़ते थे। आज हमारे आराम के लिए, हमारे आराम और आसाइश के लिए वैनिटी वैंस भी हैं। स्टूडियोज बड़े अच्छे हो गए हैं, पहले एसी स्टूडियोज नहीं होते थे, पुराने पंखे होते थे और बड़ी घुटन सी होती थी स्टूडियोज में, वेंटिलेशन नहीं होता था। आज ये तमाम फैसिलिटीज हमें दस्तयाब हैं। पहले का आर्टिस्ट जो था वो अपनी मर्जी से काम करता था कि भाई मुझे ये हीरोइन चाहिए, मुझे ये म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, मुझे ये गुलूकार चाहिए, मुझे ये एक्टर चाहिए। आज का जो लीड प्लेयर है वो अपने काम से काम रखता है, आप किसी को भी ले लीजिए। पहले दखल अंदाजी ज्यादा होती थी जो आज नहीं है, तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। आज के दौर में डिसिप्लिन ज्यादा है। When they make film, they mean business. हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हम आपको पैसा दे रहे हैं, ये हमारी तारीफें हैं और हमें इसी टाइम के फ्रेमवर्क में ये फिल्म बनानी है, इसी मुद्दत में बनानी है, तो वो बन रही है, फिल्म बन रही है। एक अच्छा तरीका हो गया है और बैंक से भी पैसा मिल जाता है फिल्मों के फाइनेंस के लिए, जो पहले नहीं मिलता था। तो बड़े अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, आज एक्टर भी बड़े अच्छे अच्छे आए, बहुत अच्छे एक्टर आए। आजकल वैसे भी आईटी और सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेट के जरिए भी अब पूरी दुनिया में लोग अब तो देख लेते हैं, पहले जरा मुश्किल था, काफी चेंजेस है। जो शायरी है, शायरी का मैं समझता हूँ कि मुल्कों को जोड़ के रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और अमन कायम रखने के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए शायरी मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा टूल है। और पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ऐसे शोरा कराम हैं जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की, दोनों मुल्कों को जोड़ने की बात की। लता हयात जी हैं शायरा एक इंडिया की, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, बल्कि दिल पे नक्श हुआ हुआ है कि ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पमाल होने ना पाए मस्जिद की आबरू, पमाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को भी हो। तो आप भी शायरी से गहरा लगाव रखते हैं और हमारे बुजुर्ग हैं सर बाबा नजमी, मैं आपको बताना चाहूंगा उनका मोगा में मुजस्मा लगाया गया, लाहौर से उनका ताल्लुक है और हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके भी कुछ पंजाबी के दो इशार मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, इसलिए कि आप शायरी से दिलचस्पी रखते हैं और उनके ये जो नज़म है इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर नज़म है कि मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर, मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू, ते तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के दया हुसैनी लंगर, मैं नानक दी बानी पढ़ के दया हुसैनी लंगर नू, ते साडे सिंगा फसदिया रहना खुली टैंदी रहनी,
ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਖੁੱਲੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ। ਤੋ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਮੇ ਆਪਕੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ? ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਯੇ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜਿਸਕਾ ਤਾਲੁਕ ਹਮਾਰੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ, ਸਰਹੱਦ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ, ਮਿਲਨੇ ਕੋ ਬੇਕਰਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ, ਸੀਨੇ ਮੇ ਦੋਨੋ ਕੇ ਧੜਕਤਾ ਹੈ ਏਕ ਹੀ ਦਿਲ, ਸੀਨੇ ਮੇ ਦੋਨੋ ਕੇ ਧੜਕਤਾ ਹੈ ਏਕ ਹੀ ਦਿਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਰੋਕਤਾ ਹੈ ਮਿਲਨੇ ਸੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਰੋਕਤਾ ਹੈ ਮਿਲਨੇ ਸੇ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ। ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋ ਮੁਮਾਲਿਕ ਕੇ ਮਾਬੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਂ, ਯਕਜਹਤੀ ਹੋ ਦੋਨੋ ਮੁਮਾਲਿਕ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕਿ ਇਸਕੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਜੋੜਤਾ ਹੈ, ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਜੋ ਬੀਚ ਮੇ ਖਰੀਜ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਖਰੀਜ ਕਹੇ ਯਾ ਖਲੀਜ ਕਹੇ, ਖਲੀਜ ਵੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਖਲੀਜ ਵੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਪੁਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਫਨਕਾਰ ਸਭੀ ਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮੁਲਕ ਉਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਕੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਮਿਲੀ ਹਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਯਹਾਂ ਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਮਿਲੀ ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਯਾਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇ ਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਇਕਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਮਲੀਆਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਥੇ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਮਰੂਮ ਸ਼ਕੀਬ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਕੀਬ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਥੇ ਉਨਕੇ ਵੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ, ਸ਼ਕੀਬ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਂ ਤਲਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਕੇਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਥੀ ਉਨਮੇ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਥੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੀ, ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਥੀ, ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤੇ ਥੇ। ਔਰ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਫਿਲਮੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਵੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਯੇ ਭੂਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਮੰਨਾ ਸੇ ਤੁਝਕੋ ਚਾਹ ਥਾ, ਕਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਹਾਰ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਸਵਾਈਓ ਸੇ ਡਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨ ਹਾਲ ਹੋ ਤੋ ਕਹੂੰ ਐਸੀ ਆਂਧੀ ਚਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ, ਰਾਤ ਕੈਸੇ ਕਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ ਜੀਤਾ ਹੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਆ ਕਭੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਕਿਆ ਕਭੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀਓ ਕਾ ਗਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓ ਕਾ ਸੁਣਕਰ ਹਾਲ, ਆਂਖ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਤੇ ਡਰਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਗਾਣੇ ਹੈ ਜੋ ਆਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਥੇ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਜ ਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸਤੂਰ ਨਜ਼ਮ ਉਨਕੀ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਉਨਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਥੇ ਬੜੇ, ਉਨਕੀ ਆਧੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਥੀ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋ ਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਈ ਸਿੰਗਰੋਂ ਨੇ ਵੋ ਉਨਕਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਉਸਕਾ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਸਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯੇ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ ਦੋਨੋ ਮੁਲਕੋ ਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾ ਡੇਰਾ ਹੈ,
फिर भी अब तक वादी ए गुल को संगीनों ने घेरा है, हिंदुस्तान भी मेरा है पाकिस्तान भी मेरा है। ये हबीब जालिब साहब ने एक बड़ी पुरानी उनकी ये नज़म है, उन्होंने गुजरे भी कई साल हो चुके हैं, तो ये मतलब एक मैसेज था उनका कि पाकिस्तान भी मेरा है हिंदुस्तान भी मेरा है। कई पाकिस्तान के और इंडिया के गुलूकार ये उनकी जो नज़म है ये गा भी चुके हैं, लेकिन ये मखसूस मौक़ों पर सामने आती है, पता नहीं चलता कि ये कब किया। इसी तरह से राहत अंदौरी साहब का मैं बड़ा मदा था, अगर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कभी उनसे मुलाकात होती है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो उन्होंने उनका भी अंदाजे प्यार, उनका एक वो शेर था कि सभी का खून शामिल है इसमें, फिर वो कहते हैं उन्होंने अलग से कहा कि हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो शायर जो है शायरी के जरिए उन्होंने हमेशा ही मुल्कों को जोड़ने की कोशिश की है। मुझे अभी तक याद है एक दफा बड़े कशीदगी के मामला बने कुछ इस तरह से, तो एक साहिल लुधियानवी साहब की एक नज़म थी जिसको हमने बकायदा पंफलट के ऊपर एक हमने ब्रोशर बनवाया कोई हजारों की तादाद में, और फिर वो हमने जगह जगह पे वो मैं तब एट सेवन या एट क्लास का स्टूडेंट था, तो वो पैगाम अभी तक मेरे दिल में उसी तरह से नक्श है। उनकी एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी जबरदस्त नज़म है कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर जंग मशरिक में हो। हाँ जी हाँ, नस्ले आदम का खून है आखिर जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलिम का खून है आखिर जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सबके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। ये मैंने बचपन में उनकी एक बड़ी खूबसूरत और ये बड़ी लंबी नज़म है जिसका टाइटल है ए शरीफ इंसानों, ये इस नज़म का टाइटल है। सर आप के आपने बेशुमार किरदार, आपने बेशुमार किरदार जी जी कुछ मैं भूल गया था, एक बार फिर पढ़ूंगा मैं जी जी, ये जो बहुत ही मुझे मेरा पसंदीदा गाना है, वो जमाना तेरी मोहब्बत का, वो जमाना तेरी मोहब्बत का एक भूली हुई कहानी है, किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है, रोज जीता हूं रोज मरता हूं जब तेरे शहर से गुजरता हूं। वो जो कहते हैं मुझको दीवाना, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता, लेकिन एक बेनवाब मोहब्बत में दिल के लुटने पे क्या नहीं कहता, मैं तो मुश्किल से आ भरता हूं जब तेरे शहर से गुजरता हूं। क्या कभी तेरे दिल पे गुजरा है मेरी महरूमियों का गम के नहीं, मेरी बर्बादियों का सुनकर हाल आंख तेरी हुई है नम के नहीं, डरते डरते सवाल करता हूं जब तेरे शहर से गुजरता हूं। ये बहुत ही पसंदीदा, ये यकीनन ये गाना आपने सुना होगा जी जी जी, बहुत मकबूल बहुत पुराना गाना है जी। और एक और बड़ा मकबूल गाना था, बहुत पुरानी बात है, ए रोशनियों के शहर बता अंधियारों में उजियारों का ये किससे भरा है जहर बता, ए रोशनियों के शहर बता, ये बहुत पुरानी फिल्म थी, ये 1965 की कोई फिल्म थी, उसका गाना था, चिंगारी था फिल्म का नाम। तो ये कुछ गाने हैं जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं। वाह सर क्या बात है, बहुत खूब। सर आपके किरदारों की एक लंबी फहरिस्त है, आपने संजीदा भी किए, और बॉलीवुड फिल्मों में जब हम आपको बतौर विलन देखते थे तो एक अरसे तक तो आपके नाम के साथ विलन का टैग ही लग गया था कि आप हर फिल्म में हम आपको बतौर विलन ही नजर आते थे, बहुत सारी फिल्मों में आपको देखा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको खुद कौन सा करेक्टर करना आपको अच्छा लगता है, संजीदा विलन, या किस करेक्टर में आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, या जो आपके आप खुद पसंद करते होंगे ये किरदार मुझे खुद पसंद है। देखिए जहां तक विलन का सवाल है, विलन हमेशा ताकतवर होता है तभी तो वो विलन होता है, सड़क चलता आदमी तो विलन हो नहीं सकता,
पैसे की ताकत होती है, रुतबे की ताकत होती है, दबदबा होता है उसका। तो ये ताकत जो है स्क्रीन पर ही सही लेकिन अच्छी लगती है कि हमें बतौर एक बहुत ही ताकतवर इंसान दिखाया जाता है। हमारे इर्द गिर्द जो हैं, हमारे दाएं बाएं खड़े रहते हैं, जो हमारे हुक्म की तामील करते हैं, यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, ये अच्छा लगता है। ये मस्नूई है लेकिन ताकत तो है साहब, स्क्रीन पे दिखाई तो देती है। लेकिन जहां तक सवाल है ये रेप सीन्स करने का, मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि बताते खुद जाती जिंदगी में मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती का हामी या कायल नहीं। वो स्क्रीन पर भी अगर मैं रेप सीन करता हूं वो मेरी तबीयत के खिलाफ है, लेकिन करना पड़ता है। मेरी जो अपनी जाती डिक्शनरी है, जो मेरी जाती लुगत है, उसमें जबरदस्ती नाम का लफ्ज ही नहीं। लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किसी पे कोई मुझ पर जबरदस्ती करे या मैं किसी पर करूं, ये कतई बात मुझे नापसंद है। लेकिन स्क्रीन पे आपको करना पड़ता है तो दिल पे पत्थर रख के कर लेते हैं। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि अच्छे कन्विंसिंगली करें, चाहे दे देंगे, कन्विंसिंगली करें आप उसे, लोगों को वाकई उनका दिल जो है बिल्कुल दहल जाए देखकर, और हमें खूब गालियां दें वो, तो वो करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो बातें दोनों जो हैं, कुछ बातें विलन के रोल में जो है अच्छी होती हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां कि आप हाकिम होते हैं, आपकी बात जो है वो पत्थर की लकीर होती है, आपके हुक्म की तामील होती है, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो जिस्मानी तौर पे जो जबरदस्ती करना, सिना बिल जबर करना, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे सीन्स करने में, लेकिन करना पड़ता है साहब, करना पड़ता है। सर अगर हम हकीकत में देखें तो आपकी शख्सियत जो है वो मेरे ख्याल से तो इतनी अदबी, जो जो शख्स शायरी को पसंद करता है या जिसको शायरी से मोहब्बत है वो कभी जुल्म नहीं कर सकता, ये बात हकीकत है। ये बात तो देखिए, एक शेर है कि दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक ना मिले दिल नहीं होने पाते। वो दिल दिल ही नहीं है जिसमें दर्द नहीं, तो दर्दमंद दिल होना बहुत जरूरी है, जज्बाती दिल होना बहुत जरूरी है, शायराना मिजाज होना बहुत जरूरी है। लेकिन अल्लाह ताला हर किसी को ये तौफीक नहीं बख्शते, उनके कुछ खास होते हैं बंदे जिन्हें वो ये तमाम शऊर बख्श देते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। तो सर, क्या बात है, बिल्कुल अल्लाह ताला का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। कि जो एक और शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कि क्या फायदा फिक्रे बेशो कम से होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या है कि जो कुछ हमसे होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या है कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ कर्म से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ कर्म से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे कर्म से होगा, उसके कर्म के बिना कुछ होता नहीं होता। क्या बात है, वो जो शायराना मिजाज के लोग हैं वो तो मोहब्बत करने वाले होते हैं। एक शेर उनके लिए अहमद फराज साहब का एक शेर है कि मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं खसारे बांट लेते हैं। वाह वाह वाह, सर पिछले करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं। जी जी, पहला क्या है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं सारे बांट लेते हैं। वाह वाह,
क्या बात सर, है, क्या कुछ बात है। कुछ साल पहले, कुछ 4-5 साल पहले, कोविड आने से पहले की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के पंजाबी अदाकारों ने मिलके कुछ फिल्में बनाई और उन फिल्मों को वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में तो अभी कुछ ही अर्सा होगा उनको सिनेमा में इजाजत मिली सेंसर बोर्ड की तरफ से, और पूरी दुनिया में भी उन्हें बिजनेस भी अच्छा मिला और फिल्म को पसंद भी काफी लोगों ने किया है। अभी गुज़श्ता दिनों पहले, ये कोई 1 या 2 हफ्ते पहले भी एक पंजाबी की मूवी आई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के फनकारों ने मिलके काम किया है। तो मेरा ये सवाल है कि जो पंजाबी फिल्मों में इंडिया और पाकिस्तान के अदाकार मिलके काम कर रहे हैं और ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, पंजाबी फिल्मों की बात कर रहा हूँ कि पंजाबी फिल्मों में ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो अदाकार हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस नजर से देखते हैं और दोनों मुल्कों को मिलके काम करना चाहिए इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो तभी मुमकिन होता है जब दोनों ममालिक की जो सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, उनकी रजामंदी के बिना तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसी शुरुआत हो रही है तो मैं दिल की गहराइयों से इसका मैं खैर मकदम करता हूं। और 3 फिल्में हैं जिनमें मैंने पाकिस्तानियों के किरदार किए थे, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक फिल्म थी हिना, शायद आपने देखी हो, जी, ज़ेबा बख्तियार सिंह हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, उसमें मैंने इंस्पेक्टर शहबाज खान का रोल किया था, पाकिस्तानी किरदार था। और एक फिल्म बनी थी परमवीर चक्र, उसमें मैंने पाकिस्तानी मेजर जनरल, पाकिस्तानी मेजर जनरल गुलशेर मोहम्मद खान का रोल किया था। और एक अभी पंजाबी फिल्म आई है, उसमें मैंने इंस्पेक्टर बख्तावर खान का रोल किया। तो 3 बार मैं पंजाबी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में मैं निभा चुका हूं। और मैंने वो ख्याल रखा जो मैंने बख्तावर खान का रोल किया था, उस फिल्म का नाम है दिल परदेसी हो गया। देखिए हल्का सा जो है एक डिफरेंस है, जैसे अक्सर पाकिस्तानी पंजाबी में कुछ उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं, जैसे वो जड़ा सियालकोट बम ब्लास्ट होया सी, उदेश ओ मुलविस सी, मुलविस जी, अब वो मुलविस नहीं कहेंगे, मुलवस सी। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जेर जबर में थोड़ा फर्क आ जाता है अक्सर, जैसे अक्सर जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान नहीं कहेंगे, पाकिस्तान या पाकिस्तान, हाँ जी जी, वो जेर जबर कहीं रह जाता है, साड़ा पाकिस्तान, वो उसमें ऐसे कुछ डायलॉग थे। तो मैंने उस बात का ख्याल रखा कि जहां जहां मैं उर्दू के अल्फाज उसमें मुकालमों में कुछ अपनी तरफ से ऐड करूं, तो वो मैंने किए। तो एक डायलॉग है कि थोड़ा अस्तकबाल है खैर मकदम है, इस्तकबाल नहीं, थोड़ा अस्तकबाल है खैर मकदम है, वो जो ठेठ पंजाबी होती है ना, तो वो जेर जेर का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। तो इस तरीके से वो मैंने किरदार किया बख्तावर खान का, जो पाकिस्तानी इंस्पेक्टर है। तो बड़ा अच्छा लगा, और पंजाबी जबान ही जो है वो तो प्यार की जबान है, दोस्तों की जबान है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो गाली भी कोई देता है तो लगता है, गाली भी कोई देता है तो लगता है कि कोई दोस्त गाली दे रहा है। वो कुछ अल्फाजों पे मैंने सर बहुत ज्यादा मैंने गौर किया है, हम जो हमारे अक्सर लोग बोलते हैं और जो इंडिया के मैंने लोग बोलते हैं, जरूरत हम कहते हैं ना, वो एक्सेंट में थोड़ा सा है, 2-3 पे तो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है,
पंजाबी गानों में भी जरूरत की जगह पे जे की साउंड आती है, मतलब जरूरत इस तरह से, वो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शीन, शीन काफ में फर्क हो जाता है। जी, शीन काफ जेर जबर में फर्क हो जाता है, ये फर्क है, यकीनन है ये। तो जैसे जरूर को जरूर कह देते हैं, वो फर्क है, क्योंकि यहां पे जेर जबर काफ शीन उसका कम इस्तेमाल होता है यहाँ पे हमारे मुल्क में। जालिम को जालिम कह देंगे वो, लेकिन वो यहाँ की जो जबान है वहां पे जाल या जे का की जगह वो जीम आ जाता है, जालिम जबरदस्ती। तो वो एक सिलसिला जो है वो चला आ रहा है, वो भी अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है। देखिए, और एक मैं आपको फर्क बताता हूं, हमारे यहां अगर कोई आएगा मेहमान, हम कहेंगे आइए बैठिए, कुछ खाइए पीजिए ना, पाकिस्तान में आए बैठे कुछ खाएं ना, ये हल्का सा फर्क है। जी और कहीं कहीं पाकिस्तान में भी काफ की जगह काफ बोला जाता है। आप यकीन करें, यकीन नहीं कहेंगे, आप यकीन करें, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, काफ नहीं कुर्बानी नहीं होगा, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, आप यकीन जाने। तो ये कुछ मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो दोनों ममालिक में अलग अलग तरीके से बोले जाते। फैज साहब का एक शेर है कि दिल एक, आपने फैज साहब का जिक्र किया है तो वो एक शेर मेरे माइंड में था, मैंने कहा आपको जरूर डेडिकेट करूं। दिल ना ना दिल ना उम्मीद नहीं ना काम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, कि शाम तो गुजर ही जाती है। सही तो बात, इसी तरह से आपकी तरह इंडिया और पाकिस्तान के भी फनकार ये चाहते हैं कि ये जो कल्चरल कॉरिडोर है ये ओपन हो और दोनों मुल्क जो हैं वो मिलके काम करें, क्योंकि फन और फनकार की कोई सरहद नहीं होती, फनकार सबके सांझे होते हैं। और सर, अगर आप अगर एक कामयाब अदाकार ना होते तो आप क्या होते? मैं जब बचपन में पढ़ता नहीं था तो मेरी माँ कहती थी कि पढ़ेगा नहीं तो क्या, बड़ा होके केले बेचेगा, ठेला लगाएगा, केले बेचेगा। मैं कहता था ये तो बहुत अच्छी बात है, ठेला लगाएंगे, केले बेचेंगे और साथ में केले खाएंगे भी, तो उसमें क्या बुराई है। तो केले तो खैर मैं नहीं बेचता, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर 5 साल में कोशिश करूंगा और 5 साल में अगर मैं अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाता तो कुछ ना कुछ तो करूंगा, मैं कुछ और करूं, पूरी जिंदगी मैं अपने यहां जाए नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ की गाड़ी चल निकली, तो अब भी मैं सोचता हूं कई बार कि अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो मैं क्या करता। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मैं क्या करता। खूब सर, खूब सर। आप एक्टिंग सिखाते भी हैं बच्चों को, क्लासेस भी देते हैं। आजकल जो नई नौजवान नस्ल है उनका एक्टिंग की तरफ और मौसीकी की तरफ काफी रुझान है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नई हमारी नस्ल इस फील्ड में आ रही है, शोबे में आ रही है, उनके लिए आपकी राय, तजवीज या पैगाम क्या होगा? देखिए, ऐसा है, जब आज के बच्चे फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, फाइट देखते हैं, रोमांटिक सीन देखते हैं, तो कहते हैं ये क्या है, हम भी कर सकते हैं, हम भी फाइट कर सकते हैं, हम भी डांस कर सकते हैं, हम भी डायलॉग बोल सकते हैं।
ये खुश फहमी और गलत फहमी, ये काम जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं। देखिए, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए अगर आपको कामयाब होना है। दो से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप में टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट भी आप में नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। स्कूल में क्रिकेट खेलना अलग बात है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना अलग बात है, सूबे से खेलना अलग बात है, लेकिन टेस्ट खिलाड़ी बनने तक कितने मरहलों से आपको गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है सिलेक्शन के बाद। वो टेस्ट मैच हो, वो 50 ओवर का वनडे हो, वो T20 हो, वहां तक पहुंचने के लिए आप यू हैव टू बी द बेस्ट इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर आपको एक्टर बनना है तो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। सेकंड, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग में पंक्चुअलिटी भी आई, डेडिकेशन भी आ गया, फोकस्ड होना भी आ गया, प्रोफेशनलिज्म भी आ गया, हार्ड वर्किंग। टैलेंट, सुपर टैलेंट, हार्ड वर्क, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडी लक, तकदीर, किस्मत। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप में टैलेंट है, लेकिन तकदीर आपका साथ नहीं दे रही है, तो उस टैलेंट को आप अवाम तक कैसे पहुंचाओगे? आप अपनी वर्थ कैसे शो करोगे अगर मौका ही ना मिला? There is a saying in English that ability without opportunity is a big zero. अगर ability है, उसका मौका ही नहीं मिल रहा है आपको दिखाने का, तो किस काम की है? वो जब तकदीर होती है आपके साथ तो आपको दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन तकदीर आपके साथ है, सिर्फ आपकी फिल्मों के गाने चल रहे हैं, उस वजह से आप स्टार बन गए, तो हर फिल्म के तो गाने नहीं चलेंगे ना जी। फिल्मों में तो आपको अपना दमखम दिखाना होगा, तो गाने कहां तक ले जाएंगे आपको? गाने चले, आप चल गए, हर फिल्म के गाने नहीं चलेंगे। आप में मादा होना चाहिए, आपको मेहनत कश होना चाहिए, और तकदीर, किस्मत आपके साथ होनी चाहिए। बस ये तीन बातें हैं। लेकिन बहुत लेकिन देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि टेस्ट खिलाड़ी बनने तक आदमी किन किन मराहिल से गुजरता है। वो ये समझते हैं कि एक्टिंग जो है बहुत आसान है, लगता बहुत आसान है लेकिन होता नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं अपने मुल्क की मिसाल देता हूं। हमारे मुल्क की आबादी है 130 करोड़। अगर मैं ये कहूं कि आप 130 एस्टैब्लिश एक्टर्स के नाम बता दें तो जहन पे बड़ा जोर देना होगा, आपको लिस्ट बनानी होगी, और पता नहीं 130 नाम निकलते हैं या नहीं निकलते। तो 1 करोड़ में एक बनता है, वो टैलेंट आप है। एक तो होते हैं ना कि भाई लाखों में एक है, लाखों में एक तो बहुत है, आपको करोड़ में एक होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। अपने काम को इबादत समझकर कीजिए, अपना सर अपने कंधों पर ही रखिए, सबसे हलीमी से पेश आइए, अपने काम में ध्यान दीजिए, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए। भगवद गीता में एक बड़ी अच्छी बात है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत, वो है ना फल देने वाला, तू अपना काम कर, वो देगा, फल देगा ऊपर से। तू अपना काम, यू गिव एज पर योर एबिलिटीज, यू गिव योर
100% whatever you do in life. बाकी वो है ना, देखेगा वो, जरूर देगा आपको, आपके कर्मों का फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस आजकल जो चीज मैं देखता हूँ कि शॉर्टकट चाहिए ज्यादा लोगों को। नहीं चलता भाई, नहीं चलता, नहीं होता है। जो देखिए हार्डवर्क है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट। हलवा खा के आप स्टार या एक्टर या प्लेयर नहीं बन सकते, यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ फुली, पूरा आपको नो डाउट, नो डाउट। दिले ना काम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको, आज की रात चाहे मर जाऊं तू सरे शाम मिला है मुझको। आपने आज हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और आज का इंटरव्यू मेरा सबसे स्पेशल इंटरव्यू, और ये मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं कि मैंने आज लेजेंडरी अदाकार रजा मुराद साहब का इंटरव्यू किया। ये मेरा इंटरव्यू का ये आखिरी सवाल है कि आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी आपके फैंस की या आपके मोहब्बत करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो आखिर में आप अपने फैंस को अपना पैगाम क्या देना चाहेंगे? एक नज़म के जरिए करूं? जी जी, एक नज़म के जरिए शुक्रिया अदा करूं? नज़म के जरिए सर, ये तो मजा दुबाला हो जाएगा। देखिए फनकार जो है, फनकार खुद फनकार नहीं बनता, आवाम बनाती है, उसके परस्तार बनाते हैं। कोई माँ के पेट से फनकार बनकर पैदा नहीं होता, लोग बनाते हैं। तो मैं इस नज़म के जरिए, साहिर साहब की नज़म है, मैं अपने तमाम परस्तारों का, चाहने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। आपके मुल्क में जो मुझे मोहब्बत मिली, जो मेहमान नवाजी का मेरा तजुर्बा है, जो गर्मजोशी से पूरा मुल्क पेश आया मेरे साथ में, हमेशा मकरूज हूं आपका। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि फनकार जो है उसे आवाम बनाती है, तो मैं इस नज़म के जरिए अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार, प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए, प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए, आदमी को ये भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अभी वो तस्वीर है, इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं।